said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to... ये खुशी देखो, खुशी देखो, अरे खाना आ गया। Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, a very good morning. कैसे हैं आप सब? और हमारा मॉर्निंग तो बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है। सिम्बा हमारा अलार्म है जो कि हम लोगों को बहुत सुबह सुबह उठा देता है। और चलिए देखते हैं कि अभी वो कहाँ है। देखो देखो देखो, सुबह सुबह उसका एनर्जी देखो, वो इधर बाहर सब की नाक से। और अभी ना सिम्बा का सुसु पॉटी का ट्रेनिंग चल रहा है। हम लोगों को मतलब उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। हम लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं कि क्या उसका टाइमिंग है, क्या कब उसका क्या मन करता है, तो इसीलिए अभी उसके हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। और नया बेड आने के बाद सिम्बा को हमने बेडरूम पे रख लिया है, क्योंकि उसको ना किसी के साथ हर टाइम रहना ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि ये वाला बेड उसको ज़्यादा पसंद आया है, सो आराम से वो सो रहा था रात को। अदरवाइज़ पहले क्या होता था ना, हर टाइम वो हमारे रूम पे आ जाता था रात के टाइम। और कृति अभी उठी है और सुबह उठ के ही उसको सबसे पहले सिम्बा को देखना है। किसे ढूंढ रही है? सिम्बा को? और उसका जो पुराना बेड था ना, वो हमने कल हटाया नहीं था। अगर उसको कंफर्टेबल ना लगे तो वो उधर ही जाके सो जाएगा, ये सोच के रख दिया था। बट आज हटा दूंगी क्योंकि उसको पुराना वाला बेड नहीं चाहिए, अभी नया वाला अच्छा लग गया है। और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सोफ़ा वगैरह क्लीन कर रही हूँ, जानकी भी आ गई है। इसके बाद वो झाड़ू पोछा और मॉपिंग कर देगी। हम लोग ना जितना भी मतलब रूटीन फॉलो कर ले, लेकिन मैंने देखा है एनिमल जो होते हैं ना, उनका रूटीन बहुत ही परफेक्ट रहता है। सुबह उठ के सिम्बा को खाना चाहिए होता है, तो वो हर दिन एक ही टाइम में उठ जाता है, जग जाता है और मुझे भी जगा देता है। You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you... ओय ओय खबर देबो हैं काके देबो आगे आगे काके देबो दीदी के देबो ना सिम्बा के देबो दीदी के खबर देबो ना सिम्बा के देबो सुना ए खबर चाहिए ने और कृति चली गई है स्कूल और ये है उसका खेलने का टाइम। उसको ना ऐसे ही मैं करती हूँ, थोड़ा सा उसको टच कर देती हूँ, उसके बाद मैं भागती हूँ ना, मेरे पीछे पीछे भाग के वो खेलता रहता है, उसके बाद वो थक के सो जाता है। और मैं और अतनु हम दोनों ने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा भी थायराइड बढ़ रहा है, अतनु के लिए भी नेसेसरी है, तो इसीलिए स्टार्ट किया है। अभी देखते हैं कितना दिन कंटिन्यू होता है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू रखने का। हाँ, और हमारे घर के पास है, वही देख के हम लोगों को अच्छा लगा। कितना खाली खाली लग रहा है ना, कितना वेजिटेबल्स वगैरह लगाया हुआ, देखो। हाँ, पालक वगैरह लगाया हुआ, पालक लगाया हुआ है सच में। अरे यहाँ से हम लोग पालक लेके जा सकते हैं ना,
यहाँ पे अगर जाएंगे तो एक रास्ता यहाँ से भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। और थोड़ा सा वर्क करने के बाद हम लोग आए हैं मेडिकल शॉप में, एक मेडिसिन लेना था। और साथ में ना थोड़ा सा मतलब बाहर थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करो तो आपका माइंड जो है वो भी फ्रेश होता है। वैसे तो अपार्टमेंट में हम लोग वर्क करते हैं लेकिन मुझे लगता है बाहर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं अपार्टमेंट में ना बोर हो जाती हूँ, तो इसीलिए तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग बाहर जाएंगे और थोड़ा सा तुम फ्रेश भी हो जाओगे। तो वही कोकोनट वाटर पी के हम लोग फिर से जा रहे हैं घर। सिम्बा भी बेडरूम में है एक्चुअली। यहाँ ना साउंड हो रहा था, मतलब बेल बजने से ही ना उसका नींद टूट रहा था, तो इसीलिए उसको अंदर कर दिया हमने। ए सिम्बू, सिम्बू तुम्हें उठ गए छो? है अभी 3 months के बाद। ये खुशी देखो, खुशी देखो, अरे खाना आ गया। जा क्लीन करो ना, जा जा मुखटा मुखटा क्लीन करो ना, जा मुखटा क्लीन कर। এখন দিদি এসে বলে বলবে তোর গোটা মুখে কে কে সাইড লেগ লেগে আছে। যা আর কিছু নেই করেঙ্গে, হো গয়া গ্রুমিং হো গয়া, আ যাও আ যাও, अभी हम लोग ग्रूमिंग करेंगे अपना। चलो नहाने चलते हैं। और इसका खाना भी हो गया, ये वाला ना हमने छोटा वाला लेके आए हैं और बड़ा वाला जो है उसमें पानी रख देंगे। वैसे भी वो पानी पीती नहीं है, मतलब पीता नहीं है वो, मतलब खाने पे ही हम लोग खाना जो है वो एकदम से लिक्विड वाला बनाते हैं ताकि उसकी बॉडी में जो सफिशेंट पानी की ज़रूरत है वो चला जाए, तो अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा ही था, बट फिर भी हम लोग रख देते हैं। ये आया ये still burning, our love just went cold, why? I keep on making the same mistake, I always let you back in, when I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. सो अभी कृति भी स्कूल चली गई है, अतनु भी अपनी ऑफिस में बिजी हो जाएंगे। सो मेरा साथ देने के लिए अभी सिम्बा है, हर टाइम मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। जब उसको नींद आता है तो सो जाता है, बट बाकी टाइम उसको लगता है कि शायद मैं उसके साथ खेलूँगा, तो इसके लिए ना मतलब वो मेरे पीछे पीछे ही रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। Pretend now I have to get over you again. घर में सबके साथ साथ अपने आप की ख्याल हमको खुद ही रखना पड़ता है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चूक हो ही जाता है। तो लास्ट ईयर भी मेरी इस टाइम पे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस बार भी, बट इस बार मैंने अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि मुझे ठीक रहना है, तो जो भी हो जाए मैं अपना ख्याल रखना कभी नहीं भूल रही हूँ। क्योंकि होता है ना जब बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत हो जाता है तो ये स्टेप तो लेना ही पड़ता है। You said it was the last time, you keep coming back to show me, sorry you have changed now, but it's the same old story. अतनु को ना आरबी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं जो रेसिपी बनाऊंगी वो उनको अच्छा लगेगा, और ये आप बोल सकते हो चैलेंज हिसाब से ही मैंने लिया है, ये आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ये रेसिपी ना बचपन से हम लोग खाते आए, मेरे मम्मी के हाथ में ज़्यादा मतलब अच्छा बनता है, बट मैं कोशिश करूँगी। मम्मी बटर मिल्क से बनाती थी, मैं दही से बनाऊँगी,
और मतलब देखते हैं कि अतनु को ये अच्छा लगता है कि नहीं। तो साथ ही साथ बाकी का भी मतलब कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जब मैं कुकिंग करती हूँ, सिम्बा तो सोता रहता है, जब वो उठ जाता है ना तो मेरे पास आ जाता है, और उसको ना ऐसे ही मतलब चिपक के रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ सिम्बा के साथ। तो मैंने ना यहाँ पे आलू को फ्राई कर लिया है। एक्चुअली ना ये इतना फ्राई करके नहीं बनता है, ये आरवी जो होता है उसको बॉयल करके बनाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बट मैं अतनु के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी तो उनको अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और आरवी जो होता है ना, अगर अच्छे से बॉयल हो जाता है ना तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अतनु को ना वही चीज़ पसंद नहीं है, मतलब ज़्यादा बॉयल हो जाना उनको इतना पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको फ्राई करके देखते हैं, अगर उनको अच्छा लग जाए तो। और मैंने ऑयल में डाला था जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने डाला था टमाटर, और साथ में मैंने डाला है अदरक। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने जीरा, धनिया, लाल मिर्च ये सब डाल दिया है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लगता है। और हाँ, इसके साथ मैं ऐड करूँगी दही। दही से ना इसका एक खट्टा वाला फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ना ये बटर मिल्क से बनाती थी, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता था। तो देखते हैं कि दही के साथ अतनु को कैसा लगता है। मुझे थोड़ा सा जो टेस्ट है सिमिलर लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको दही के साथ बनाया है। अच्छा लगा।